नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप किसान पंजीकरण किए हैं दोस्तों, उसमें कुछ त्रुटि हो गया है दोस्तों, या फिर आपको रिजेक्ट हो गया है, या आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किए थे उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है दोस्तों, या आप किसी तरह से अगर आप किसान हैं दोस्तों, तो आप किसान रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अप्लाई किए हैं उसका रिजेक्ट हो गया, या आप किसान रजिस्ट्रेशन जो किए थे उसका रिजेक्ट हो गया, या उसको एडिट करना है, या कुछ प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, तो उसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। चाहे आप डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किए थे उसका कुछ स्टेटस चेक करना है, या पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किए थे उसका स्टेटस चेक करना है, या आपको फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो पुनः विचार करने के लिए आप कहाँ से अप्लाई करेंगे दोस्तों। बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप किसान हैं और किसान रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आज आपको बताता हूँ कि किसान अगर आप हैं दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ को आप अप्लाई किए होंगे, तो उसका स्टेटस या रिजेक्ट हो गया है, या उसका कोई पंजीकरण का प्रिंट करना है, या प्रिंट निकालना है, या चेक करना है। तो बहुत सा जैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि का अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसका उसका में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो कैसे उसको देखेंगे, कहाँ पर मिलेगा, कैसे ठीक करेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो दोस्तों इस साइट पर आपको आ जाना है। साइट को मैं लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो हम प्रोसेस टू होम पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यही है दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं दोस्तों, तो ई साइड और पीएम किसान सम्मान निधि का साइड दोनों को यहाँ से भी अटैच हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से उनका भी साइड खुल जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर होम होम क्या है, अगर इधर उधर आप कहीं पर आप क्लिक कर देते हैं, तो अगर होम पर आपको जाना होगा, तो फिर होम पर क्लिक करके भी होम पर आपको आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप पंजीकरण करें, पंजीकरण करें यानी कि आप किसान का पंजीकरण करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन किसान पंजीकरण अभी बंद है। अभी कौन कौन सा आपको आवेदन चालू है, देखिए यहाँ पर सारा चीज़ का आवेदन होता है दोस्तों, ठीक है ना। किसान पंजीकरण बंद है, बीज अनुदान का आवेदन यहीं से होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आवेदन यहीं से होता है, और पुनः विचार मतलब आप कुछ आपको रिजेक्ट हो गया है, तो पुनः विचार के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जल जल जीवन हरियाली का आवेदन यहां से आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई का आवेदन यहां से कर सकते हैं, डीजल अनुदान का अभी सब बंद है, ठीक है। कृषि पंजीकरण की योजना अभी यहां पर आवेदन कर सकते हैं, डीजल अनुदान रबी बंद है, जैविक खेती अनुदान आवेदन बंद है, ठीक है। कृषि इनपुट अनुदान रबी अप्रैल ये भी बंद है, कृषि इनपुट अनुदान ये भी बंद है, कृषि इनपुट रबी ये भी बंद है। तो जो आपको चालू है आप आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर आप पंजीकरण कर लिए हैं, आप पंजीकरण की स्थिति और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप उसका पंजीकरण का रिकॉर्ड खोज सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर मोबाइल नंबर में चूज कर रहा हूँ, और मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। या भूल गए हैं दोस्तों, आप किसान पंजीकरण की यहाँ भूल गए हैं, तो सिर्फ आप मोबाइल नंबर आपको याद है या आधार नंबर याद है, तो उससे आपको ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च पर मैंने क्लिक करूंगा। जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरे पास आ गया, और मेरे पास किसान पंजीकरण संख्या भी आ गया, टोटल यहाँ पर आप देखिए पूरा स्थिति आपको आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार मुझे इसको जरूरत पड़ने वाली है, और मैं इसका एक सेव करके रखूंगा। मुझे आपको एक प्रिंट का भी जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्रिंटर को चालू कर रहा हूँ, मैं प्रिंटर को मैं चालू कर रहा हूँ, और मैं प्रिंट भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ये प्रिंट चाहिए। ये वीडियो बनाने का खासियत यह था दोस्तों, कि इस साइड से पूरा किसान के बारे में टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप एक किसान हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव मार लूँगा,
पहले तो मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लिया हूँ और मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट की भी जरूरत पड़ती है। और मैं यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर लिया, ये प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग होम पाएंगे और देखिए पंजीकरण तो नहीं हो रहा, पंजीकरण जाने पर क्लिक करके आपको मैं दिखा दिया। और अब यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट कर लिया हूँ और यहाँ पर देखिए पावती प्रिंट करें, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आवेदन नहीं, इस पर पंजीकरण पावती, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप पंजीकरण संख्या या आधार संख्या से भी आप कर सकते हैं। मैं पंजीकरण संख्या को मैं कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके शो रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक करूँगा। अब देखिए इसका भी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको आगे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। सेव करने के बाद फिर मैं इस पर प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिएगा इस पर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। ये प्रिंट का ऑप्शन में चला गया। तो मैं तीनों चीज आपके बारे में बताया। अब नेक्स्ट आते हैं, ऑनलाइन आवेदन करें। देखिए इसका भी मैंने प्रिंट कर लिया है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है। यहाँ जल जीवन हरियाली के लिए आवेदन करना, तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। पुनः विचार हेतु आवेदन करें, इसका मैं बता दूँ। अगर आपको कोई चीज़ फॉर्म रिजेक्ट हो गया दोस्तों, अगर आप किसान पंजीकरण का आपको रिजेक्ट हो गया, उसको भी आप पुनः विचार या एडिट भी, कुछ त्रुटि हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं। पुनः विचार यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरे हैं, उसको भी आप पुनः विचार के लिए रिजेक्ट हो गया तो उसको भी कर सकते हैं। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पुनः विचार के मैं वीडियो नेक्स्ट में आपको कल बनाने वाला हूं दोस्तों। उसके बाद यहां पर आए किसान प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना, कृषि इस सब देखिए बीज, आपको बीज अनुदान आवेदन, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से जाँच कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक और वीडियो पर बनाऊंगा पुनः विचार की वीडियो, मतलब क्या होता है, अगर आप किसान पंजीकरण में एडिट करना, आपको कोई एडिट कर सकते हैं या कोई त्रुटि हो उसको सुधार कर सकते हैं, या पीएम किसान सम्मान निधि में एडिट करना है या आपको फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो पुनः विचार का कल मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।